तुमसे पूछ रही हूँ रमशा, रमशा तुमसे हाँ पूछ रही हूँ। क्या हुआ इन्हें? मुझे तो लगता है तुम अपनी शादी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है रमशा। रमशा भूल जाओ अफनान को, निकाल दो उसे दिल से। उसे जितनी दूरी इख्तियार करनी थी मैं कर चुकी हूँ एनी। लेकिन कुछ चीजें हमारे इख्तियार में नहीं होती। आपका दिल, आपकी सोच आपके इख्तियार में नहीं होती। अगर होता तो हम हमेशा सोचते हुए वो बातें याद रखते जिनसे हमें खुशी मिलती। कभी हमारी आंखों में आंसू नहीं आते, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। कह तो बिल्कुल सही रही हो, इंसान के इख्तियार में सिर्फ उसके अमाल होते हैं बट उसकी सोच नहीं। एनी बस तुम दुआ करो कि मैं शादी के बाद नबील को खुश रख सकूं, एक सुकून वाली जिंदगी गुजार सकूं, ताकि वो भी खुश रहे और मैं भी खुश रहूं। मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। आप भी कर आए? नहीं नहीं मैं तो तुम्हें विजिट करने के लिए आया हूँ। ऑफ कोर्स मैं लेकर आया हूँ, और अगर मैं वहां ना आता तो जानती हो क्या होता तुम्हारे साथ? बेहोश पड़ी हुई थी अकेली, और जो तुम्हारी दोस्त है ना तुम्हें अकेली छोड़ के चली गई थी। क्या अब बस क्यों रही हो? सोच रही हूँ, हमेशा मुसीबत में जब भी मैंने आपको पुकारा आप आ जाते। मसला ये है कि तुम बहुत ज्यादा मुसीबतों में फंसती हो। मैं पता नहीं क्या करती अगर आप नहीं आते, वो लोग मेरे साथ बहुत बहुत बुरा कुछ करने वाले। रमशा कैसे ना आता मैं? तुम थी, तुम्हारे लिए तो मुझे आना ही था ना हर हाल में। और मैं अच्छी तरह जानता हूं तुमने कुछ नहीं किया, तुम्हें फ्रेम किया जा रहा है इस मामले में, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं रमशा। इस मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। आई विल गेट थ्रू दिस। चलो आओ गाड़ी में बैठो, कुछ खा भी लो। रमशा अरे बेटा तुम दोनों ने सामान रख लिया ना सारा? जी बड़ी अम्मी, सारा सामान रख दिया है। मैं तैयार होकर आती हूँ, आप बड़े अब्बू को बोलो गाड़ी निकाल दे। ठीक है? ठीक है बेटा। अच्छा तुम भी बेटा देख लेना सारा सामान। ठीक है अम्मी? ओ क्या आप रख लें? अब इसकी जरूरत नहीं है मुझे। मुझे आपसे जब भी बात करनी होगी मैं नबील के नंबर से बात कर लूंगी। साया वे साया वे साया वे साया वे क्या जाने क्यों मैंने अखियां लगाया वे करना क्या औरों से गिला धोखा मुझे यार से मिला यार से मिला ओ धोखा मुझे यार से मिला दिल को भी हारा मैंने जान को भी हारा मैंने ये मिला है मुझको सिला धोखा मुझे यार से मिला।
जो कुछ है जल्दी निकाल, जल्दी निकाल जो कुछ है। क्या चाहिए? जल्दी निकाल जो रखा हुआ, जल्दी निकाल। वो यार ये जल्दी निकाल, टाइम के जल्दी कर, जल्दी कर, चल भाई चल, मेरी बात चल चल चल। पूरे 5 लाख रुपए थे बस भाईजन। मैं बैंक से बाहर निकला हूं, अचानक पता नहीं कहां से दो लड़के आ गए और छीन के ले गए। कितनी मर्तबा कहा ये पैसे लाने ले जाने का काम बहुत एहतियात से करना है। भाईजन मैंने तो पूरी एहतियात की थी, आप यकीन कीजिए मैं तो बैग तक लेके नहीं गया ताकि किसी को शक ना हो कि मेरे पास इतनी बड़ी रकम है। मुझे तो लगता है कि किसी ने मुखबरी की है, पर किसी को क्या पता कि मेरे पास इतना कैश। यार ये चोर डकैतों को सब कुछ पता होता है मेरे भाई, अब करना क्या है? मुझे हॉल की और खाने की पेमेंट करनी है। अरे क्या मतलब है क्या करना होगा? किसी से उधार ले ले, इसीलिए कहा करती थी आपसे कि कोई ना कोई अरेंजमेंट करके रखे, कुछ तो करना पड़ेगा ना। गलती हो गई मुझसे, मुझे करना चाहिए था ये। भजन मेरी बात माने तो कासिम साहब से बात करके देखे। कासिम साहब से कैसे बात कर सकता हूं मैं? कुछ सगी रिश्तेदारी है जो हमारे लिए खड़े हो जाएंगे वो। नहीं मुनासिब नहीं लगता मुझे। भजन अब कासिम साहब बहुत नेक दिल आदमी है और साहिब हैसियत भी है, आपने देखा नहीं कैसे वो लोगों की मदद करते हैं? बाज़ औक़ात अगर अपने काम ना आए ना तो गैर काम आ जाते हैं। आप एक बार मेरे कहने पे कासिम साहब से बात करके देखें। अब ठीक कह रहे हैं।